नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। गाइस, इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे, जो कि इसके जो क्वेश्चन होंगे वो आपके लाइव टेस्ट के माध्यम से हम लोग करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, कहाँ से प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि प्राचीन काल में हिसार क्षेत्र में अग्र गणराज्य है? ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ए है बरवाला और बी है अग्रोहा। अगला, हिसार व हांसी के किस सेनानायक ने हांसी का दुर्ग जीता था? ऑप्शन बी जाटवा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हरियाणा में सारथी शुरू किया गया था, इसमें किस जिले के 3 खंडों को शामिल किया गया था? तो ऑप्शन ए झज्जर। संस्कृत अकादमी प्रतिवर्ष एक संस्कृत विद्वान को कौन सा पुरस्कार प्रदान करती है? ऑप्शन ए महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो गाइस, ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा, बाकी के जो 3 हैं वो सही हो जाएंगे, जिसमें ए है वर्ष 2001 से 11 के दौरान गुरुग्राम की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई, सी है वर्ष 2001 से 11 के दौरान झज्जर की जनसंख्या में न्यूनतम वृद्धि हुई, और डी है हरियाणा में फरीदाबाद जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। अगला है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का पोस्ट ग्रेजुएट क्षेत्रीय केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया? तो ऑप्शन डी जींद। अगला है, सायं अपने अपने उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो ऑप्शन डी राजकुमार निजात। संस्कृत साहित्य के ग्रंथों में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन बी बनारसी बिलास। कौन सी सदी को हरियाणा में संत संप्रदाय का स्वर्ण काल माना जाता है? तो ऑप्शन डी 18वीं। राज्य की शासकीय भाषा कौन सी है? तो गाइस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिंदी। प्रसिद्ध पर्यटन झील दमदमा झील राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए गुरुग्राम। अदिति मंदिर किस जिले का मंदिर है? तो ऑप्शन डी करनाल। अगला है, कड़ुल्ला आभूषण को कहाँ पहना जाता है? तो ऑप्शन ए टाड़ या बाजू में। सैनिक फैशन की पगड़ी को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी साफा कहा जाता है। निम्न में से किस बाघ यंत्र को जोगियों ने प्रसिद्धि प्राप्त करवाई? तो ऑप्शन सी सारंगी। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, बाकी के जो 3 हैं वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला है रतबाई नृत्य मेवाती क्षेत्र का सुप्रसिद्ध नृत्य है, और खेड़ा नृत्य गम दुख में किया जाता है, और घोड़ी नृत्य का आयोजन शादी के अवसर पर किया जाता है। अंबाला की स्थापना निम्न में से किसने की? तो ऑप्शन ए अंबा। रोहतक जिले की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन बी 1 नवंबर 1966। ठाकुर द्वारा कहाँ का प्रमुख पर्यटन स्थल है? तो ऑप्शन सी झज्जर। फतेहाबाद का प्रमुख रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ऑप्शन बी जाखल। करेंगे सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन, जिसमें पहला है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआईएम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन डी 1964। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि मानव व्यापार जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है? तो ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अपराध अधिकार। 1528 में खालिस्तान ने चंदेरी में राजपूतों को हराया? बाबर। 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे? तो ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग
खालिस्तान, प्रतिशत भाग भूमि है। तो गाइज ये हो जाएगा ऑप्शन बी 30%। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को खालिस्तान कहते हैं। तो गाइज ये हो जाएगा ऑप्शन, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी पपर्टी। रुक्मणी देवी अरुंदेल नृत्य के किस रूप में एक प्रतिष्ठित नर्तक और कोरियोग्राफर थी, तो ऑप्शन सी भरतनाट्यम। इलेक्ट्रिक ट्राम का खालिस्तान द्वारा आविष्कार किया गया था, तो फ्योदोर पिरोत्स्की। नालंदा महाविहार साइट खालिस्तान में है, तो ऑप्शन सी बिहार। डेजर्ट फेस्टिवल खालिस्तान में आयोजित किया जाता है, जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं, तो गाइस ऑप्शन बी दो। कौन कौन से हैं, फोबोस और डीमोस। पाब्लो पिकासो खालिस्तान में, खालिस्तान से था, तो ऑप्शन सी स्पेन। निम्नलिखित भारतीय मिर्चियों में से कौन सी विश्व की सबसे तीखी मिर्चियों में से एक मानी जाती है, तो ऑप्शन ए भूत झोलकिया। सबसे गर्म ग्रह का नाम बताएं, तो ऑप्शन बी शुक्र। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी, तो गाइस ऑप्शन ए नाथूराम गोडसे ने की थी। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, तो ऑप्शन डी 42वें। महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी फैदामीटर। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल खालिस्तान वर्षों का होता है, ऑप्शन बी 6। लिम्बा राम किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं, तो ऑप्शन बी तीरंदाजी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है, तो ऑप्शन बी हेग में है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 को। गिरसेर परियोजना अवस्थित है, तो ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में। गंगा नदी निकलती है, तो ऑप्शन सी गंगोत्री ग्लेशियर से। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है कौन सा है, क्षोभ मंडल। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र। अब हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। देखिए गाइस निर्देश पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 46 से 47 के दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द संख्या को चुनिए, जैसे कि फोटोग्राफर का संबंध कैमरे से, तो लेखक का संबंध किससे से होगा। तो गाइस देखिए जिस प्रकार फोटोग्राफर है कैमरे से संबंधित होता है, मतलब कैमरे से फोटो खींचता है, उसी प्रकार लेखक जो है वो क्या करेगा, कलम से संबंधित होगा, मतलब कलम से लिखेगा। अगला है 167 का संबंध है 43 से, तो 245 का संबंध किससे होगा, तो देख लेते हैं। 43 लाना है, तो 167 में क्या करें, एक ये है प्लस करेंगे और लास्ट के 6 और 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब आगे वाले एक को जोड़ देंगे और 6 और 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 + 6 = 42, देखिए कितना आ गया 43। इसी प्रकार 245 में करेंगे 2 + 4 और 5 का मल्टीप्लाई, तो 2 + 4 = 20, तो आपका आ जाएगा आंसर 22। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द छांटिए, तो कौन सा होगा, देखिए पारदर्शक इसमें से अलग है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, बाकी तीनों का मतलब समान होता है, मतलब धुंधला, मेघाच्छित और पारभाषी, ये तीनों का अर्थ एक ही होता है, लेकिन पारदर्शक अलग होता है। एक क्वेश्चन मैं आपको कमेंट एक दे रहा हूँ, इसको आपको कमेंट करके बताना है। एक जंगल में एक दौड़ आयोजित की गई, दौड़ में कुत्ता हाथी से तेज दौड़ा, ओके, और किंतु बाघ से धीरे धीरे दौड़ा, हिरण सबसे तेज दौड़ी, शेर बाघ से तेज दौड़ा, तो दौड़ में दूसरे स्थान पर कौन रहा, तो आपको कमेंट करके बताना है, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और करके बताइएगा।
अगला देख लेते हैं आपका। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बताना है कि मिसिंग नंबर क्या होगा। तो एक एक कॉलम को सॉल्व करेंगे। तो गाइस देखिए, सबसे बड़ा अंक जो है आपका 60 है, तो 45 और 50 से 60 नहीं बनेगा, इसमें 49 है, यहाँ पर बताना है। तो एक एक कॉलम को ले लेंगे। पहले कॉलम को देखिए, अगर 45, 50 और 60 को अगर ऐड कर दें तो कितना आता है, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आपका आता है 155। मतलब टोटल कितना है 155। इसी प्रकार दूसरे कॉलम को भी देखते हैं, तीनों को ऐड कर देते हैं, 55, 51 और 49, कितना है आपका टोटल 155। मतलब एक कॉन्सेप्ट हो गया, मतलब तीनों को ऐड करने पर आपका मिल रहा है 155। अब तीसरे में भी यही करेंगे, 26, 65 प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स मान लेंगे, इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, जैसा कि हमें पता है 155 के बराबर है। तो आपका एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 155 माइनस 91, तो आंसर क्या आएगा आपका, 64। ओके, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि स्टार का अर्थ है जोड़ मतलब प्लस, और एंड का अर्थ है भाग, एट दी रेट का अर्थ है गुणा, परसेंटेज का अर्थ है घटाना। तो इस इक्वेशन में सारे हम लोग रख देंगे और इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो गाइस सबसे पहले 135 है, तो 135 एट दी रेट का अर्थ क्या है, देखिए सॉरी एंड का अर्थ क्या है, डिवाइड मतलब भाग, फिर है 15। अब एट दी रेट का अर्थ क्या है, गुणा, 10, परसेंटेज का अर्थ क्या है, घटाना, तो 10 माइनस 3, और स्टार का अर्थ क्या है, 6। अब हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो आपका आएगा 9 × 10 − 3 + 6। ओके, अब इनको सॉल्व कर लेंगे 9 और 10 को, तो आ जाएगा आपका 90 − 3 + 6 कितना हो जाएगा आपका, वो वैसे ही रहेगा 3 + 6। ओके, अब गाइस अगर सॉल्व करेंगे तो आपका देखिए, सबसे पहले प्लस प्लस वाला सॉल्व कर लेंगे, तो 96 − 3। ओके, तो आपका 93 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो रीजनिंग का ही है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है मतलब पूर्व की ओर ऐसे जा रहा है, और फिर बाएं मुड़ जाता है, बाएं कैसे मुड़ेगा आपका, ऊपर की ओर। कुछ दूर उस दिशा में चलने के पश्चात भाई दाएं मुड़ जाता है, तो दाएं ऐसे मुड़ जाएगा, और फिर दाएं मुड़ जाता है तो नीचे जाएगा, और अंत में ऐसे कर करके क्वेश्चन आपका पूरा हो जाता है, तो आपको दिशा बतानी है। तो दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन ये ऊपर नीचे हो गया, तो मैं अगले वीडियो में आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा। अगला देख लेते हैं, हिंदी के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, अशुद्ध बर्तनी को चिन्हित कीजिए। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, उज्ज्वल, अशुद्ध बर्तनी है इसमें। अगला है, कौन उसमें व्यंजन नहीं है, तो गाइस ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, का, लेकिन सा स सा ये आपके उसमें व्यंजन होते हैं। अगला, किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है, तो विशेषण क्या होता है, एडजेक्टिव, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वहाँ जोर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, सर्वोत्कृष्ट ये आपकी विशेषण हो जाएगा, तो इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। अगला है, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है, तो ऑप्शन ए, क्रिया विशेषण। कर्मवाच्य का उदाहरण वाक्य है, तो कर्मवाच्य क्या होता है, ऑब्जेक्ट जिसमें हो, तो गाइस ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, धावकों ने दौड़ा नहीं गया, धावकों से दौड़ा नहीं गया, मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है इसमें से, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, माँ को अपने पुत्र से ममता होती है, ये शुद्ध वाक्य, बाकी के जो तीन हैं वो आपके गलत हो जाएंगे। अब हम लोग साइंस के क्वेश्चन करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक संपीड्य है, तो ऑप्शन सी, गैस। अगला है, खालिस्तान गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग या अवरक्त विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है, तो ऑप्शन बी, ग्रीन हाउस। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो फीमर होती है। बीजांड द्वारी सिरे के ठीक विपरीत खालिस्तान होता है, जो बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है, तो ऑप्शन सी, निभाग। अगला है, एकल कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं, तो ऑप्शन ए, एक। दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को खालिस्तान परावर्तन कहते हैं,
तो ऑप्शन ए नियमित। प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या होती है? तो ऑप्शन ए ओम। अगला है पेट, पीईटी। एक बहुत सुपरिचित प्रकार का खालिस्तान है, इसका उपयोग बोतल बनाने के लिए किया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी पॉलिएस्टर। निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीजन से भारी होती है? तो ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। निम्नलिखित में से पौधे के किस भाग में कच्चे कली विकसित होती है? ऑप्शन सी शाखा। अब हम लोग करेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन। कंप्यूटर एक्सेस की सुविधा देने से पूर्व कंप्यूटर यूजर नेम और पासवर्ड मैच कराने के लिए खालिस्तान की जांच करता है? ऑप्शन डी डाटाबेस। वह साइंस या टेक्नोलॉजी जो मनुष्यों के समान बौद्धिक क्षमता वाली मशीनों का निर्माण करने का प्रयास करती है? ऑप्शन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और कैलकुलेशन के कार्यों को निष्पादित करने के लिए खालिस्तान नंबर सिस्टम यूज करते हैं? तो ऑप्शन बी बाइनरी। वह निर्दिष्ट उपकरण जिसका प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम की कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए किया जा सकता है? ऑप्शन डी पेरिफेरल डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा पासवर्ड पॉलिसी में गुड प्रैक्टिस के रूप में शामिल नहीं है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। केवल 2 वर्षों के अंतराल पर पासवर्ड चेंज करने की अनुमति। यदि हम ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन शेयर करना चाहते हैं तो इसके लिए नेटवर्क पर खालिस्तान को इंस्टॉल करना होता है, रूटर राउटर कह सकते हैं। एक स्प्रेडशीट में डाटा किस प्रकार ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है? रो और कॉलम में। पहले से सेव डॉक्यूमेंट को पुनः प्राप्त करने के लिए किस प्रोसेस का प्रयोग करना चाहिए? ओपन। डेस्कटॉप पब्लिशिंग निम्नलिखित में से किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का अत्यधिक उन्नत रूप है? ऑप्शन सी वर्ड प्रोसेसिंग। यूएसबी का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन डी यूनिवर्सल सीरियल बस। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।